आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत ही कमाल की एक जानकारी देने वाले हैं। क्या आप भी परेशान हैं या आपके मन भी एक प्रश्न आया हुआ है आपके मन में कि हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर को आप ईमेल आईडी में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो आपके मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर सेव हैं उन कॉन्टैक्ट नंबर को अपने ईमेल आईडी में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहां पर दिखाई देगा, हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहे होंगे, इतने सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं और ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे मोबाइल में सेव हैं। अगर हम इन कॉन्टैक्ट नंबर को अपने ईमेल आईडी में ट्रांसफ़र करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यहां पर आप क्लिक करिए ऑल अकाउंट पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर हमारे सारे के सारे ईमेल आईडी दिखाई देंगे। अगर यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आपको यहां पर थ्री डॉट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको दिखाई देगा ऑल अकाउंट, और आपको ऑल अकाउंट पर नहीं क्लिक करना है, यहां पर आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा। चाहो तो अपने ईमेल आईडी पर क्लिक कर लीजिए तो यहां पर आपके ईमेल आईडी में कितने कॉन्टैक्ट सेव हैं वो आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे, और आप यहां पर क्लिक करके अपने ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे ईमेल आईडी पे यहां पर 212 कॉन्टैक्ट सेव हैं, लेकिन मोबाइल में हमारे कितने सेव हैं तो ऑल कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में 784 कॉन्टैक्ट नंबर सेव हैं, और हम अपने ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर को ईमेल आईडी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक कमाल का तरीका यूज करना पड़ेगा। कौन सा तरीका है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर मिलेगा एक थ्री डॉट बटन। अगर आपके पास ये गूगल का डायलर है, क्योंकि ये गूगल का डायलर है जो आपको यहां पर मिल जाता है थ्री डॉट, और आप इस पर क्लिक करिए। अगर आपके पास कोई अदर मोबाइल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, या हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना तो हम आपको बताएंगे कि आपके मोबाइल में कैसे होगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है। तो हम यहां से अपने इस प्रोसेस पर आते हैं। यहां पर आपको सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। जैसे आप सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहां पर मिलेगा आपको सेव करने का ऑप्शन, और आपको सेव पर क्लिक करना है, शेयर पर। जैसे आप शेयर पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आपका एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके से एक फाइल बन जाएगा, और इस फाइल को अपने जीमेल आईडी पर भेज लेना है। तो हम यहां से अपना जीमेल ओपन करेंगे, और यहां से आपका जीमेल आईडी ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आपका आईडी दिखाई देगा, अपना ही आईडी आपको फिर से यहां पर डाल देना है। तो हम यहां पर फिर से अपना ही आईडी हम यहां पर इंटर करते हैं, ये वाला, और यहां से हमारा आईडी आ गया है, मैंने इंटर कर दिया। यहां पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट पर आपको अपना नाम डाल देना है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। उसके बाद यहां पर आपको मिल जाएगा एक शेयर करने का बटन, और आपको शेयर करने के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके ही ईमेल आईडी पर शेयर हो गए हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी दूसरे के ईमेल आईडी पर भेजना चाहते हैं तो इसी तरीके से भेजा जाता है। जहां पर मैंने अपना ईमेल आईडी डाला था वहां पर आपको दूसरे का ईमेल आईडी डालना होता है। तो हम यहां से क्या करेंगे, अपने जीमेल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहां पर देखेंगे कि हमारे पास एक ये आ गया है जो मैंने अभी सेंड किया है। अगर आप दूसरे के में सेंड करेंगे तो फिर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और सेंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपने सेंड किया था वो आपको यहां पर दिखाई देगा। अब आपको इस मैसेज पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपका फाइल आ जाएगा, अपने फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप अपने फाइल पर एक बार क्लिक कर लेंगे। तो जैसे अपने फाइल पर क्लिक करते हैं अब यहां पर आपके सामने सारे के सारे ईमेल आईडी आपको दिखाई देंगे। तो यहां पर दिखाई देगा सेव इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट टू, यानी कि अपने सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर को अपने किस ईमेल आईडी पर सेव करना चाहते हैं। पहले हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे मोबाइल में सेव थे, लेकिन अब हम अपने ईमेल में सेव करना चाहते हैं। तो हमारे मोबाइल में लगभग ये सारे ईमेल आईडी हैं, तो हम अपने इस वाले ईमेल आईडी में भेजना चाहते हैं जो आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मुन्ना, तो हम इसमें भेजना चाहते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे ईमेल आईडी में चले गए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेसफुल। बस अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आ जाना है। अपने रिसेंट बार से आपको अपना कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन हटा देना है। हटाने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपना कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं, कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑल सेलेक्ट है, अभी यहाँ पर ऑल अकाउंट,
और उसके बाद अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ये ईमेल आईडी है वही वाला, पहले हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर थे 220, तो यहाँ पर हमारे हो चुके हैं 347। अब कहेंगे कि यार हमारे 347 ही कॉन्टैक्ट नंबर क्यों हैं, तो यहाँ पर देखेंगे अब हमारे ये बढ़ गए हैं, 524 हो गए, 44 हो गए, यानी कि सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे इस ईमेल आईडी पर ट्रांसफर हो रहे हैं। 564 हो गए, 584 हो गए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ऑटोमेटिक आपके बढ़ रहे हैं क्योंकि सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें आपका 4 से 5 मिनट का समय लगता है, आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने वीडियो बनाया है 5-5.5 मिनट का और आपको पता चल गया है, और आप किसी भी मोबाइल के अंदर ये काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो यार हमें कमेंट करके जरूर बताना ताकि यार हम आपको कोई रिप्लाई दे सकें, आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा आईडी रहा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो यार लाइक करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।